देखो, अगर आपका बजट है 1.5-2 लाख रुपए का, आप एक बाइक लेने का सोच रहे हो, तो फिर आपकी नज़रें इस बाइक पर रुकने वाली है, जो कि है रॉयल इनफील्ड 100 350। ये रॉयल इनफील्ड की तरफ से सबसे अफोर्डेबल बाइक है उनकी, जिसकी प्राइस स्टार्ट होती है 1.49 लाख से और अराउंड 1.70 लाख तक जाती है। टोटल 3 वेरियंट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, 8 कलर ऑप्शन है, और बाकी इसमें आप एक्सेसरीज वाइज और बहुत सारे कस्टमाइजेशन जो है वो भी ले सकते हो, जो कि आपको रॉयल इनफील्ड प्रोवाइड करता है। साथ ही में जो इस नाम के साथ में आपकी ब्रांड वैल्यू जुड़ी हुई है वो भी आपको देखने को मिलने वाली है, और आपको एक अलग स्टेटस सिंबल भी मिलने वाला है कि भाई आपके पास में एक रॉयल एनफील्ड है। अब इस गाड़ी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, क्या सारी कुछ चीज़ें हैं इस गाड़ी के अंदर, क्या आपको ऑप्शन अवेलेबल है, A to Z सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना। शुरुआत करते हैं गाड़ी की डिजाइन से। देखो, गाड़ी की डिजाइन जो है उसके अंदर एक पैटर्न फॉलो करा गया है। मैक्सिमम चीजें इसके अंदर आपको सर्कुलर सी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यह हेडलैम्प वगैरह लगा हुआ है, इंडिकेटर लगा हुआ है, इसके बाद में ये जो टैकोमीटर है, इसके मिरर वगैरह जो है वो, इसकी लाइट्स वगैरह जो है टेल लैम्प वाली वो, ये सारी आपको सर्कुलर पैटर्न के अंदर देखने को मिलने वाली है। इस गाड़ी का जो ये लोगो बनाया हुआ है ये भी आपको सर्कुलर पैटर्न के अंदर देखने को मिलने वाला है। साथ ही में अगर आप साइड लुक की बात करो तो भाई साइड से भी ये जो टैंक वगैरह का ये जो लेआउट वगैरह देकर रखा हुआ है, जो हैंडल पोजीशनिंग करी हुई है, जो फुटस्टेप की पोजीशनिंग करी हुई है, इसका अगर आप पोस्टर वगैरह और ये सब एक साथ पे देखो तो ये सब भी इसके सेगमेंट में जो दूसरी गाड़ी आती है उनसे थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा स्पोर्टियर टाइप पर रखा हुआ है, जो कि पूरे सेगमेंट के अंदर इस गाड़ी की जो अपीयरेंस है वो एकदम डिफरेंट बनाता है। कुछ डिटेल्स वगैरह की बात करें तो भाई फ्रंट के अंदर आपको ये हैलोजन बल्ब देखने को मिल जाएगा, सर्कुलर शेप वाला हैलोजन बल्ब लगे हुए हैं, हैलोजन पायलट लैंप जो है वो देखने को मिलने वाला है। अब इस वाली गाड़ी के अंदर ये इंडिकेटर जो देकर रखा हुआ है ये तो LED वाला है, एक्सेसरीज पार्ट के अंदर आता है, लेकिन जो नॉर्मल स्टॉक गाड़ी आएगी उसके अंदर आपको ये हैलोजन इंडिकेटर जो है वो देखने को मिलेगा। फ्रंट की तरफ से भी बता देता हूँ तो भाई फ्रंट में आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है ये वाला। बाकी फ्रंट में आपको यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो देखने को मिल जाएंगे, बाद में ये रबड़ गार्ड वगैरह जो है वो भी इसके ऊपर लगा हुआ है, और फ्रंट के अंदर आपको ये मड गार्ड जो है वो ऐसा यूनिक शेप का देखने को मिल जाएगा, ये भी अलग शेप का ही लग रहा है थोड़ा बहुत। इसके जो मेटल वगैरह है, मेटल वगैरह यूज़ नहीं करा है, ये फाइबर का देकर रखा हुआ है। बाकी टायर वगैरह की बात करें तो भाई 17 इंचेस का अलॉय व्हील लगा हुआ है इसके अंदर, जिसकी शेप या फिर डिज़ाइन वगैरह थोड़ी यूनिक सी है, जैसे कि ओवरऑल इस गाड़ी की डिज़ाइन है, तो ये भी बढ़िया लग रहा है देखने में। और साथ ही में टायर प्रोफाइल या फिर टायर सेक्शन की बात करें तो भाई फ्रंट के अंदर आपको ये 110/70 सेक्शन का टायर जो है वो देखने को मिलने वाला है। बाकी इधर देखो तो भाई यहाँ पर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल जाएगा, डिस्क ब्रेक भी व्हील के हिसाब से काफ़ी बड़ा लग रहा है, डायमीटर जो है डिस्क ब्रेक का वो 300 mm के आसपास देकर रखा हुआ है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है तो भाई ये ऑयल वगैरह वाला सिस्टम पूरा बना हुआ है यहाँ पर, ये भी क्या बता रहा हूँ मैं। बाकी यहीं पर आपको ये रिफ्लेक्टर जो है साइड में वो भी देखने को मिलने वाला है, जो कि ये थोड़ा अलग सा और क्लासी सा लुक इसके अंदर दे रहा है। बाकी साइड में आया तो भाई साइड में सबसे पहले आपको ये टैंक वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा, टैंक जो है वो मेटल का बना हुआ है, और इसके ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शन जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर भाई ये रॉयल पूरा ऐसा लिखा हुआ है ग्राफिक के अंदर, यहाँ पर आपको छोटा सा रॉयल इनफील्ड का लोगो जो है वो देखने को मिलने वाला है। अब इसके अंदर कलर ऑप्शन क्या आते हैं वो बाद में डिस्कस करता हूँ। टैंक के ऊपर ही आपको यहाँ पर ये क्रोम फिनिश के अंदर इसकी जो कैप है फ्यूल फिलिंग की वो देखने को मिल जाएगी। बाकी साइड में और डिस्कस करें तो भाई यहाँ पर ये पैनल जो है वो देखने को मिलने वाला है, यहाँ की वगैरह डालकर आप इसको एक्सेस कर सकते हो, बैटरी वगैरह जो है वो अंदर लगी हुई है। इधर की तरफ आपका इंजन प्लेस कर रखा हुआ है पूरी तरह से नीट एंड क्लीन, इधर जो है वो आपका एग्जॉस्ट वगैरह जो है वो लगा हुआ है। बाकी फुट स्टेप वगैरह जो है वो लगे हुए हैं यहाँ पर, बाद में यहाँ पर ब्रेक वगैरह जो है वो देखने को मिल जाने वाला है आपको। और पीछे की तरफ आए तो भाई पीछे आपको कुछ ऐसी दिखने वाली है, यहाँ पर एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ये आपको सस्पेंशन सेटअप जो है वो देखने को मिलने वाला है, स्प्रिंग बेस्ड है पूरा का पूरा, और इधर जो है वो आपका रियर व्हील जो है वो लगा हुआ है। रियर व्हील की बात करें तो भाई ये सेम 17 इंचेस का ही देकर रखा हुआ है, लेकिन टायर सेक्शन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर आपको 140/70 सेक्शन का टायर जो है वो देखने को मिलने वाला है। बाकी रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी साइज जो है वो फ्रंट वाले थोड़ी छोटी है, वहाँ पर आपको 300 mm देखने को मिलता है, यहाँ पर ये 270 mm का देकर रखा हुआ है। बाकी रियर में है तो भाई यहाँ पर आपको ये टेल लैम्प वगैरह देखने को मिल जाएगा, ये इंडिकेटर पीछे की तरफ देकर रखे हुए है, ये नंबर प्लेट होल्डर जो है वो देकर रखा हुआ है, और ये मड गार्ड वगैरह जो है वो लगा हुआ है। वैसे मेरे को ये लगा प्लास्टिक का, लेकिन नहीं, ये वाला जो पैनल है ये भी पूरा ऐसे मेटल का देकर रखा हुआ है। बाकी सीट वगैरह की बात करें तो भाई सिंगल यूनिट के अंदर आपको सीट देखने को मिल जाएगी, इसके ऊपर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कवर के ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सीट हाइट की बात करी जाए तो भाई सीट हाइट इस गाड़ी की करीबन 800 mm के आसपास है। बाकी पीछे की तरफ आपको यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल जो है वो देखने को मिल जाने वाला है।
एक चीज बताना भूल गया, इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस। तो भाई इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको 150 mm के आसपास देखने को मिलने वाली है। अब बढ़ते हैं गाड़ी के कंसोल की तरफ। तो भाई आपको गाड़ी का कुछ कंसोल ऐसे देखने को मिलने वाला है, ये भी सर्कुलर शेप का ही है जो कि मैंने पहले बताया। इसके अंदर आपको पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल देखने को मिल जाने वाला है। स्पीडोमीटर आपका पूरा एनालॉग के अंदर देकर रखा हुआ है, और बाकी जो दूसरी इन्फॉर्मेशन आती है गियर वगैरह की, फ्यूल गेज की, टाइम वगैरह की, वो सारी चीज़ें आपको डिजिटल देखने को मिलने वाली है। बाकी इन्फॉर्मेशन वगैरह बता दूँ तो भाई देखो यहाँ पर आपको गियर इंडिकेटर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपकी ये जो क्लॉक वगैरह है वो बनी हुई है। ऊपर की तरफ आपको ये राउंड शेप के अंदर फ्यूल गेज है वो देखने को मिलने वाला है, और नीचे की तरफ आपका ये ट्रिप है, ट्रिप बी वाला जो है वो देखने को मिलने वाला है। अब इसका कंट्रोल जो है वो इस साइड के लीवर पर इधर आगे की तरफ जो यहाँ पर देकर रखा हुआ है, अगर आप इस बटन को प्रेस करते हो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो भाई यहाँ पर ये इसकी रीडिंग जो है वो अलग अलग टाइप की दिखाता रहता है। बाकी नीचे की तरफ आपको यहाँ पर ये वार्निंग लाइट्स जो अलग अलग वो देखने को मिलने वाली है। की वगैरह की बात करें तो भाई की आपको कुछ ऐसी जो रॉयल इनफील्ड के अंदर आती है नॉर्मल बेसिक की, वो आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी स्विचेस वगैरह की बात करें तो भाई ये कुछ आपको स्विचेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे राइट हैंड साइड पर भी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी। इधर देखें तो भाई आपको ये हेडलाइट का स्विच जो है पास और ये वाला वो देखने को मिल जाएगा। इधर आपको इंडिकेटर का स्विच देखने को मिल जाएगा। इधर आपका हॉर्न वगैरह का स्विच देखने को मिल जाएगा। और इधर जो है वो ये MID या फिर आप कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उसको कंट्रोल करने का स्विच देखने को मिलेगा। इधर देखो तो भाई आपका यहाँ पर ये इंजन किल स्विच और इंजन स्टार्ट का स्विच देखने को मिलेगा। ये आपका 1000 lm के लिए स्विच बना हुआ है, और बाकी इधर तो बस यही दो स्विच है। बाकी ये लीवर वगैरह इसके अंदर देकर रखे हुए हैं, ये भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये सर्कुलर शेप के अंदर आपको मिरर वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। बाकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको यहाँ पर ये USB सॉकेट जो है वो देखने को मिलने वाला है, थोड़ा ऐसा छुपा कर रखा हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ से वायर वगैरह डालो तो भाई आप इसको अच्छे से जेब वगैरह में रख करके फ़ोन वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हो। इसका आउटपुट जो है वो 2 एम्पियर के आसपास रखा हुआ है। अब आते हैं इसके इंजन के ऊपर। तो भाई इस गाड़ी के अंदर आपको रॉयल इनफील्ड वाला 350 cc वाला इंजन जो है इनका फेमस, जो कि ये मीटियर और क्लासिक 350 के अंदर यूज़ करते हैं, वो देखने को मिलने वाला है, जो कि करीबन 20 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क जो है वो जनरेट करता है। इसी इंजन के साथ में आपको यहाँ पर 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स जो है वो देखने को मिलने वाला है। बाकी इधर साइड मैंने आपको बताया नहीं, तो इधर आपको ये चेन वाला जो है पार्ट वो देखने को मिल जाएगा, जिसके ऊपर फ्रंट की ऊपर की तरफ तो कवर करके रखा हुआ है, नीचे एक्सपोज चेन देकर रखी हुई है। इधर आपको ये साइड स्टैंड जो है वो देखने को मिलने वाला है। इधर नीचे आपका मेन स्टैंड जो है वो देकर रखा हुआ है। बाकी ये साइड गार्ड वगैरह जो नॉर्म्स वगैरह है इंडिया के, वो तो है ही इसके अंदर। अब इस गाड़ी के वेरिएंट वगैरह की बात करें तो भाई इसके अंदर आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, एक तो है मेट्रो और दूसरा है रेट्रो। रेट्रो इसका बेस वेरिएंट है, जिसके अंदर आपको बेसिक चीजें देखने को मिलती है सारी, जैसे कि यहाँ पर जैसे अलॉय व्हील लगे हुए हैं तो भाई वहां पर आपको स्पोक व्हील देखने को मिलेंगे। इस गाड़ी में आपको दो डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहे हैं। तो भाई बेस वेरिएंट रेट्रो के अंदर आपको खाली सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा और सिंगल चैनल ABS जो है वो देखने को मिलेगा। इस वाली गाड़ी में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल रहा है। दूसरा वेरिएंट आता है मेट्रो। मेट्रो वेरिएंट जो अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये मेट्रो वाला वेरिएंट ही है, लेकिन मेट्रो को भी इन्होंने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा हुआ है, जिसमें एक है डैपर, दूसरा है रेबल। दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर आपको सेम फीचर सेम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो देखने को मिलने वाला है, खाली आपका ये कलर टोन जो है वो डिफरेंट है थोड़ा। वहां पर आपको सिंगल टोन के अंदर कलर देखने को मिलता है पूरा, यहाँ पर आपको ये डबल टोन या फिर डुअल टोन आप कह सकते हो, उसके शॉर्ट ऑफ की फिनिश जो है वो देकर रखी हुई है। अब इस गाड़ी के अंदर आपको टोटल 8 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, और 8 कलर जो है वो भी वेरिएंट वाइज बांटे हुए हैं। सबसे बेस वेरिएंट है उसके अंदर आपको 2 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सेकंड वाला जो वेरिएंट है उसके अंदर आपको 3, और जो टॉप वेरिएंट है ये वाला, इसके अंदर भी आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाने वाला है। इसके अंदर ना कुछ एक्सेसरीज आती है जो कि मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये इंडिकेटर जो है वो देखने को मिलने वाला है। ये एक्सेसरीज में आता है, जो नॉर्मल गाड़ी आती है उसमें नॉर्मल सा ही आता है, लेकिन यहाँ पर ये अलग और डिफरेंट लुक देने के लिए इसमें एक्सेसरी देकर रखी हुई है, और ये देखने वगैरह में अच्छा लगता है। दूसरा जो है वो दूसरी एक्सेसरीज आती है इसके प्रोटेक्शन के लिए। देखो इंजन वगैरह है तो भाई इसके इंजन प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर इसका इंजन गार्ड देखने को मिल रहा है, साथ ही में ये जो मड वगैरह है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर आपको ये सम गार्ड जो है वो देखने को मिल रहा है। और भी आपको डिफरेंट डिजाइन चाहिए तो भाई इसके अंदर आप यहाँ पर ये जो हैंडल बार लगे हुए हैं यहाँ पर भी अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ये जो इंजन ऑयल की कैप है यहाँ पर भी आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ये जो फुट स्टेप वगैरह है इसके अंदर भी आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये फ्रंट की तरफ आप वाइजर वगैरह जो है उसको भी एज ए ऑप्शन ऐड करवा सकते हो। वाइजर जो है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा जो कि इस गाड़ी में लगा हुआ है, मैं बता देता हूँ। तो ये ऐसा छोटा सा और प्यारा सा वाइजर जो है वो इसके अंदर देखने को मिल जाने वाला है। बाकी ये रियर व्यू मिरर जो है अगर इनको देखो तो भाई ये भी आप एज ए एक्सेसरी इसके अंदर ऐड करवा सकते हो। ये तो हालांकि जो स्टॉक कंडीशन के आता है वही है, लेकिन इसके अंदर आप दूसरे वाले भी ऐड करवा सकते हो। बाकी ये जो ग्रैब हैंडल है इसको भी अगर आप रिप्लेस करवा कर यहाँ पर ऐसे बैक रेस्ट वगैरह लगवाना चाहो तो वो भी लगवा सकते हो, वो भी आपको ऑप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा।
वैसे ये गाड़ी दिखती काफी ज्यादा बढ़िया है, इसका लुक स्टॉक के अंदर भी काफी बढ़िया आता है, लेकिन आप ये छोटी मोटी एक्सेसरी और ऐड कराओगे तो भाई इस गाड़ी के अंदर लुक जो है वो एकदम टोटली डिफरेंट हो जाने वाली है और एकदम ये गाड़ी यूनिक सी लगने वाली है। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, ये थी रॉयल इनफील्ड 100 350 जो कि इनकी सबसे प्यारी ऑफरिंग है इसकी, इनके पूरे सीरीज की मेरे को सबसे ज्यादा क्यूट और सबसे ज्यादा प्यारी ये वाली गाड़ी लगी। बाकी आप क्या सोचते हो इस गाड़ी के बारे में आप बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि अब भाई आप क्या कहते हो। बाकी अगर आप इस गाड़ी को देखना चाहते हो तो भाई शोरूम की डिटेल्स वगैरह जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप यहाँ पर आकर विजिट वगैरह कर सकते हो, काफी ज्यादा हम्बल पर्सन है यहाँ के, आपको अच्छे तरह से ये गाड़ी जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे, तो आप इनसे कांटेक्ट जरूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, चैनल जो है वो सब्सक्राइब करो। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।